नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं NBC 24। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। आज केंद्र कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा, जिसके बाद कृषि कानूनों को खत्म किया जाएगा। गुरु पर्व के दिन पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार ने इन कृषि कानूनों को किसानों के हित में लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रतिक्रिया शुरू की जाएगी। तीनों नए कृषि कानून को 17 दिसंबर 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने किए कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। संविधान एक्सपर्ट्स ने बताया था कि किसी भी कानून को वापस लेने की प्रतिक्रिया भी उसी तरह होगी जिस तरह कोई नया कानून बनाया जाता है। सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संभव में बिल पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाएंगे, जिसके बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि संसद सत्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 17 सितंबर 2020 का दिन किसानों के लिए काला दिन माना गया था। ये वो दिन था जब संसद में खेती से जुड़े तीन कानून पास किए गए थे। बताते चलें कि कैसे किसानों ने आंदोलन किया था शुरू। पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र में इन तीनों कानूनों को लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन किसानों का मानना था कि ये काले कानून है जो सरकार को वापस लेने चाहिए। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल राज्य में किसानों के बीच नवंबर से सुगबुगाहट शुरू हो गई और इसके बाद कृषि मंडियों, जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तरों और सड़कों पर कुछ छोटे विरोध प्रदर्शन किए गए। वहीं इसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन को बड़ा करते हुए 25 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। ऐसे में उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया और एक साल तक सिंघू बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर और कई अन्य दिल्ली बॉर्डर पर तो घर ही बसा लिया था। एक साल ठंड, गर्मी, मौसम, सर्दी पर अपनी बातों को लेकर अड़े रहे। कहते हैं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। किसानों की बात मान ली गई। मोदी सरकार ने किसानों की बात मान ली और कानून को वापस लेने की बात कह दी। ऐसे में सारे किसानों की खुशी देखने वायक थी। अब ऐसे में कृषि कानून कितने जल्दी रद्द हो जाता है, ये तो हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसी बड़ी छोटी तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।